हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए है, स्पेशली जो कनेक्शन ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी चेक हो रही है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस के लिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट से रिलेटेड है तो ये रीडिंग्स आपके लिए हैं। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चले कि ये कनेक्शन ट्विन है या सोलमेट है। जानने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं है, इससे कुछ तरीके होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील होना, जैसे कि एक दूसरे को पूरा करना या एक दूसरे के बिना बहुत ही ज़्यादा अधूरापन फील करना। और ख़ास करके वो इंसान को हम रिप्लेस ही नहीं कर पाते किसी और से, खास सिम्टम्स में आपको बता रही हूँ। और ये जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और सोल लेवल पे काम करता है। आपको यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आपकी प्योर सोल जर्नी, आपकी जो सोल लेवल पे आपकी अवेकनिंग या आपकी जागृति वो ही इसमें काम आएगी। वो पहले मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज होती है जो पहले अवेकन होती है या पहले जागृत होती है, और वो अपने डिवाइन मस्कुलिन को यानी आपके पार्टनर को जगाती है। तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डीप होता है, और यही होता है कि आप पहले जागेंगे, आप मेहनत करेंगे उस सेल लेवल कनेक्शन का मतलब एक्टिवेशन का काम करेंगे और उनको जगाएंगे, और फिर वो जो कनेक्शन रीयूनियन में जाएगा। तो आपका पर्पस ही एक बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो दुनिया के लिए काम कर सकता है, एक अलग ही पर्पस के लिए काम कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की करंट एनर्जी चेक इन के लिए। और सेकेंडली जिनका कॉल मैसेज और जिनको मतलब रिस्पॉन्स आया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब मैं खुश हूँ बहुत। बट आप बहुत मेंटेन कीजिए, जो चेंजेस चल रहे हैं ना उसको मेंटेन कीजिए। आपका मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन काफ़ी जोरों से चालू रखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेजरली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेजरली द लवर्स का कार्ड, जिस कनेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कनेक्शन की बोलो ना एक अलग ही एक डायमेंशन है, इस अलग ही कनेक्शन में बात है, एक सोल लेवल पे एक दूसरे को खींचने की बात है। एक ऐसा प्यार जिसमें कोई बंदिश ही नहीं, कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनल लव, ये चीज़ है जो एक दूसरे को इस कदर पूरी करती है। ये कनेक्शन, ये प्यार एक दूसरे को इस कदर पूरा करता है कि उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुलना ही नहीं है। तो लवर्स कनेक्शन खास करके ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे कहा है कि मेरे वीडियोस में कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऐसे चल रहे हैं कि ये जो चेंजेस यू नो खास करके न्याय, जस्टिस, निर्णय ये सब होने वाले हैं। तो ये कनेक्शंस की जो टाइमिंग्स है, जिनके जिनके टाइमिंग्स है, जिनकी जिनकी अवेकनिंग हुई है, जिनको लगता है कि हाँ मतलब ये कनेक्शन बहुत डीप है और वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन, ये जो रीयूनियन प्रोसेस चालू है वो होकर रहेगा। और अब भी जस्ट मैंने बात की जजमेंट की, निर्णय की, एक कार्मिक एंडिंग्स की, कार्मिक निर्णय की। तो देखिए हर चीज़ जैसे वही कह रही है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे वक्त आ रहा है, इस वक्त की ही बात चल रही है, एक डिवाइन टाइम की बात चल रही है। जिस कनेक्शंस में, जिस कनेक्शंस में ये डिवाइन टाइम आ रहा है तो उनके लिए एक निर्णय की घड़ियाँ चालू है, एक निर्णय होने वाला है एक कनेक्शन के लिए। उनकी या तो आपके डिवाइन मस्कुलिन की प्रोसेस अगर शुरू नहीं हुई है तो स्टार्ट होकर रहेगी, चाहे ना चाहे ये स्टार्ट होकर रहेगी। और अगर हो चुकी है, हो रही है, वहाँ कहीं ना कहीं जैसे ना चिंगारी लग चुकी है, और तो आग धीरे 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 भड़केगी, वो कनेक्शन अपने आप पुल होगा। सिचुएशन जो भी हो,
चाहे वो पेरेंट्स का कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, समाज का हो, कम्युनिटी का हो, फाइनेंसेस का हो, फाइनेंशियल डिफरेंसेस का हो, कास्ट कम्युनिटी का हो, कुछ भी हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, ये जो कनेक्शन है वो जो होना चाहिए वो होकर रहेगा। ये जो जजमेंट व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि एक वक्त वक्त आ रहा है, वक्त डिवाइन टाइम काफी लोगों के लिए। सेक्रल चक्र देखेंगे हम उनके कहाँ पे है। ट्रिकरी तो हो सकता है अभी हालात ऐसे, जैसे मैंने बोला ना, अवेकनिंग प्रोसेस चालू है, अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो प्रोसेस बता रही है कि उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है या अवेकनिंग प्रोसेस का रिजल्ट में ट्रिगर हो चुका है। कंफ्यूजन, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है उनके माइंड में, क्या करे, कैसे हो, या कनेक्शन के बारे में इतना खिंचाव क्यों, ये कंफ्यूजन मुझे ज्यादा फील हो रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में, अचानक से ये तूफान, ये सब चीजें क्यों हो रही है। अच्छा खासा लाइफ चल रहा था, सब कुछ जैसे ठीक था, अचानक से ये सब कुछ क्यों बदल रहा है, ये सिचुएशन है उनकी। बहुत कंफ्यूजन है कि क्या करे, कैसे करे, क्योंकि दिल कहीं और खींच रहा है तो दिमाग कहीं और। डेस्टिनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्टिनी, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, डिवाइन टाइम, डेस्टिनी, ये नसीब की बात है, आपका कनेक्शन होना ये नसीब की बात है, डेस्टाइन कनेक्शन है, तो वो डेस्टिनी ही उनको गाइड कर रही है इस कदर कि ये कनेक्शंस के लिए अवेकन होने के लिए, उनको उसके लिए निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। रिलीज, जो भी उनके लाइफ में निगेटिव सिचुएशन है, आप देख सकते हैं कि कितनी टेरिबल सिचुएशन है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक निगेटिव फीलिंग्स है, खास करके मुझे एक निगेटिव ऑरा, या कहीं पे जो भी एक टॉक्सिक रिलेशंस, टॉक्सिक सिचुएशन में वो फील फंस गए थे, तो वहाँ से वो निकलना चाहते, रिलीज, अपने आप को वहाँ से रिलीज या निकलने की एनर्जी बहुत दिखा रहे हैं। फसाड, अपने चेहरे पे एक मुखौटा पहना है, मास्क, जो सिचुएशन चल रही है, खास करके कंफ्यूजन के हालत में उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है, दिखाते कुछ और है कुछ और, दिल में कुछ और चल रहा है और चेहरे पे कुछ और दिख रहा है, या कहीं पे बहुत कुछ जैसे ब्लैंक बन के बैठे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, कैसे करना है और आखिर क्यों करना है। उनको ये भी नहीं समझ रहा कि क्यों मेरी लाइफ में ये सब मुझे क्यों करना है। एनलाइटमेंट, अगेन मैंने कहा ना, अवेकनिंग, उनकी जागृति की प्रोसेस जोरों शोरों से चालू है। यहां पे दिख रहा है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन या यूनिवर्स की दखलअंदाजी काफी ज्यादा जोरों में है। एनलाइटमेंट, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा है, पहले कभी नहीं थी, अभी कुछ है जो उनको डिफरेंट फील करता है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका कनेक्शन ये डीप डाउन है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक लोगों को भी ट्रिगर हो सकता है, वो सिचुएशन को अपने आप, मतलब आपसे वो दूर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि वो कनेक्शन आपके लिए सर्व नहीं करते। बट जो आपके लिए जो कनेक्शन खींच रहे हैं ना, वो ट्विन और सोलमेट कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन आपके साथ होके रहेंगे, या तो वो बदल के रहेंगे, वो इंसान है अगर कार्मिक तरीके से बिहेव कर रहा था तो वो बदल के रहेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और नहीं तो वो सिचुएशन बहुत अलग तरीके से चेंज होगी, एक स्पिरिचुअल वे से उनका एक डेवलपमेंट होते जाएगा। स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये बात आप याद रखें। रिलीजन आपका कोई भी हो, कंट्री कुछ भी हो, भाषा कोई भी हो, कुछ भी हो, ये चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती है। अचानक से ऐसा लाइफ में धीरे धीरे से ऐसा कुछ बदलेगा कि वो खुद नहीं समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों फील हो रहा है। परसिवरेंस,
तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जहाँ पे ऐसा लग रहा है, जो चेजिंग एनर्जी, जो पीछे भागने की एनर्जी आपकी थी, कहीं ना कहीं अभी वो उनकी हो रही है। ये प्रोसेस जिसे स्टार्ट हो रही है, और ये प्रोसेस उस वजह से स्टार्ट हो रही है, उन लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो डिवाइन सोल है, उनको जगा रहे हैं। उनकी जो 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 बोलते ना अवेकनिंग प्रोसेस में वो हेल्प कर रहे हैं, वो प्यार, वो सोल कनेक्शन वो खींच रहे, उसकी वजह से उनकी अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस जहाँ पे एनलाइटमेंट, डेस्टिनी, रिलीज, ये सब एनर्जीज है। तो बहुत मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चेंज फील हो रहा है। Knight of Swords, तो कुछ लोगों के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी है DM स्किन में। अब देख सकते हैं कि इंसान कितना मतलब ना चार्ज्ड है, तैयार है, बेचैन है, बेताब है, बहुत जल्दी जल्दी में डिसीजन होने वाले हैं। Two of Wands, तो दो लोगों की चॉइस, दो चीज़ों में चॉइस, हर जो चीज़ थी जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, हर चीज़ जैसे क्लियर हो चुकी है। अगर आपके कनेक्शन में लॉन्ग डिस्टेंस एक प्रॉब्लम था, उसमें भी चॉइस हो चुकी है, वो अभी आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे, अपनी डिसीजंस वो मजबूत कर चुके हैं। द सन, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव, जैसे कि नो ये सन दिखाता है कि अभी ये जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अंधेरा था, बहुत ज़्यादा जो उनकी सोल लेवल में एक निगेटिव एनर्जी थी, वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली ये सन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अजीब सा एक ना लाइट या मतलब ना एक अलग ही रोशनी, अलग ही सवेरा लेके आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा होप लग रहा है इस सन आने की वजह से, कि जैसे कि ना एक अंधेरे के बाद एक उजाला हुआ हो, एक बहुत ज़्यादा गहरी रात थी, बहुत बड़ी गहरी रात थी, और अचानक से सवेरा हुआ हो, ऐसा फीलिंग ऐसे फील हो रहा है मुझे। एट ऑफ कप्स, द रिलीज की एनर्जी यहाँ पे भी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो भी था अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ जॉब अच्छे चल रहा था, रिलेशन अच्छे चल रहे थे, पेरेंट्स के साथ चला रहे थे, हर चीज़ चल रही थी, लेकिन उनका अभी उसमें मन नहीं रखना है, अभी उसमें मूव ऑन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ना छोड़ दिया है, वो अकेले पड़ गए हैं, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ना ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये जो अवेकनिंग प्रोसेस में उनके ऊपर जो ये प्रॉब्लम्स गिरना, एक तरह के एक अवेकनिंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है, जैसे कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, ये ट्रिगर ही होना, ये हर चीज़ उस प्रोसेस को ट्रिगर करने का ही एक तरीका होता है, क्योंकि उस बीच में, उस सिचुएशंस में उनको रियलाइज होता है कि क्या अच्छा है, क्या साथ देने वाला है, क्या मतलब जैसे कि इंसानों के, लोगों के असली चेहरे नज़र आने लगते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, तो ये रिश्ते को वो अपनाना चाहते हैं, दुनिया में दिखाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को वो ऑफिशियल करना चाहते हैं, वो जीत चाहते हैं इस कनेक्शन में, सक्सेस ज़रूर होगा। द सन का कार्ड, द सक्सेस का कार्ड, डेफिनेटली बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी बात है। थ्री ऑफ वैंड्स, वेटिंग एनर्जी है, एक्सपेंशन की बात चल रही है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी इस बात की है जैसे कि उन्होंने कुछ सोच के रखा है, जैसे कि वो जो कोई चीज़ है लाइफ में, जो आने आ रहे तूफान है या गुजरने का इंतज़ार, हर चीज़ में अलग अलग का इंतज़ार है, बट इंतज़ार आगे की तरफ हो रहा है, आगे की तरफ। मैजिशियन, तो
डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन चल रहे हैं। उनको पता नहीं होगा कि मैनिफेस्टेशन करके करते कैसे है, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी वो आपको याद कर रहे हैं, ये एनर्जी, ये कनेक्शंस में आप फील कर पाते हैं, फील कर सकते हैं लिटरली। आपको लिटरली आप कुछ और सोच रहे थे, आप किसी और काम में बिजी थे, आप कुछ और सुन रहे और आपको कुछ और ही फील होगा कि जैसे कोई आसपास है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो वो एनर्जी आप फील कर सकते हैं कि उनका कहीं पे नाम दिखना या कहीं पे मतलब कुछ सोचा भी नहीं था, ऐसे कुछ आपको फील होगा। खास करके एनर्जी काफ़ी फील होगी उनकी कि वो आसपास है कहीं पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन स्टेबिलिटी तो चाहते हैं इस रिश्ते में, मूवमेंट काफ़ी पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट हो रही है। और अगर प्रॉब्लम था कि उनकी वाइफ, मदर, मतलब जैसे स्पाउस और पेरेंट्स, जो भी प्रॉब्लम्स थे वहाँ से वो निकलना चाहते हैं, बेड कुड में प्रॉब्लम की इस वजह से वो नहीं आ पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे जो रिलेशंस में। तो अगर वो कार्मिक है तो उस रिलेशन से निकलते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अभी पेरेंट्स का प्रॉब्लम कार्मिक तरीके कैसे सॉल्व होगा, तो वो पेरेंट्स की बात मानना छोड़ देंगे। हो सकता है कि वो अलग रहने का डिसीजन ले। अभी आप ये मत सोचिए कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना है, जो होना है वो यूनिवर्स की बात है, यूनिवर्स के डिसीजन है। क्योंकि कोई इंसान को अपने पेरेंट्स से अलग होके अपनी दुनिया बनाना, ये भी एक उसकी एक सोल जर्नी का पार्ट होता है। इसमें सही गलत की बात नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे उनके पेरेंट्स को भी समझना होता है कि यहाँ पे एक इंसान के एक सोल लेवल की बात चल रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा कि हाँ चलो ये होना चाहिए था, ये अब नहीं होना चाहिए था। ये सही गलत की भाषा तो जिंदगी में चलती रहेगी, अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स को छोड़ना सही बात होती है या गलत बात होती है, ये बात नहीं है। ये जो चीज़ चल रही है, ये एनर्जीज जो चल रही है, ये होनी चाहिए, इसलिए हो रही है। हर एक का अपना जर्नी होता है, हर एक का अपना अपना समझने की बात होती है। तो वो चीज़ है ना, आप उसके लिए जिम्मेदार हो, ना वो उसके लिए जिम्मेदार है, ना पेरेंट्स है। बस एक अपना अपना एक जो कर्म का पार्ट है, एक अपनी अपनी जो काम करना है, अपनी जो मिशन है जिंदगी में, जो सोच के रखा है, डेस्टाइंड है, वो हो रहा है। बस उसको आपको एक्सेप्ट करना है और आपको उसको समझना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ कमिटमेंट की बहुत बात चल रही है, आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई जेस्चर कर सकते हैं, गिफ्ट ला सकते हैं, आपसे अचानक से मिलने भी आ सकते हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जहाँ से तूफानों से निकलने की एनर्जी है, अपने आप को संभालने की एनर्जी है, तो सन का कार्ड दिखा रहा है कि एक्शन होगा और वो भी क्विक। तो विद इन 2 days, 3 days और 6 days में आप लोगों को उनकी तरफ से रिस्पॉन्स की बात करिए, जैसे कि उनका कुछ कॉल मैसेज आना, वो सब हो सकता है। और ये उनके लिए है जो एक तक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और जो कनेक्शन के डिवाइन टाइम आ रहे हैं, हर चीज़ की डिवाइन टाइम आ रही है, उसकी उनकी बात चल रही है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन सिम्टम्स है, और जिनके टाइम भी आ रहे हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाएं ज़रूर, क्योंकि वो आपके डीएम को हीलिंग प्रोसेस में, उनकी अवेकनिंग प्रोसेस में ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एनर्जी वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब्ड है, आप सामने से चेजिंग एनर्जी में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर मैनिफेस्टेशन के थ्रू उनको वाइब्स भेजने की काम करेंगे, वाइब्रेशंस भेजने की काम करेंगे, तो ज़रूर और ज़रूर ये सब फील होगा ही। और यहाँ पे बॉटम देख है द एम्परर, वो यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ ये जो पर्सन है, मेल ही या फीमेल है, वो आपके डिवाइन मास्कुलिन है, और वो अभी इस एनर्जी में है डिवाइन मास्कुलिन की, जहाँ पे वो थोड़े घमंडी है, जिद्दी है, गुरूर है, सब कुछ है, वही एनर्जी बैलेंस में लाने की कोशिश करनी है। तो वो होगी,
वो इमोशनल तरीके से, वो कनेक्शन को डीप फील करने से ही होगी। और यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, द लवर्स का कार्ड, द एम्परर का कार्ड और द मैजिशियन, हर चीज़ जो बता रहा है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डेस्टाइन है, नसीब में है और वो होके रहेगा। सन का कार्ड और सक्सेस का कार्ड दिखाता है कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड्स है। होपफुल रहे, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्टेशन करिए, चीज़ें बदलेंगी। लुक फॉर अ साइन। मेरे जैसे मैजिशियन का कार्ड जब आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि लुक फॉर अ साइन, कि जैसे आपको कोई एंजल्स नंबर दिखना, जैसे 555 है, 1111 है, 1010 है, 69 है, ये जो एंजल नंबर्स है, कोई भी एंजल नंबर्स हो, स्पेशली ट्विन कनेक्शंस के लिए 1111 और 69 नंबर बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। तो वो साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो वो साइन एंड सिम्टम्स है कि आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने वाले। इवन आपका सोल पर्पज, आपकी ग्रोथ होना भी एक साइन एंड सिम्टम है इस कनेक्शन का आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो जाती है, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, तब आपको एक चमत्कार जैसे, एक मिराकल जैसे इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही। तो लुक फॉर अ साइन कि आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि अचानक से उनका नाम दिखना, उनके जैसा कोई दिखना या कुछ भी चीज़, तो वो एक साइन है कि आपको वो याद कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत मतलब बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड इन द नियर फ्यूचर, तो जो लोगों का डिवाइन टाइम नहीं आया है अभी दिस मंथ, तो नियर फ्यूचर में डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा, ये यूनिवर्स का कहना है। तो होपफुल रहिए, निगेटिव बात कोई भी आई नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा होप रखना है बस। तो ये थी रीडिंग मेरी इस कनेक्शन के लिए। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता और बहुत ही सक्सेसफुल रीडिंग दी है यूनिवर्स ने, आई एम बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।